वेलकम टू स्टडी स्मार्ट अकेडमी। आज है 2 फरवरी 2019 और 2 फरवरी 2019 से रिलेटेड हम बजट से रिलेटेड जो आंतरिक 2019 और 2020 के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल जो वित्त मंत्री अतिरिक्त प्रभार में वित्त मंत्री पीयूष गोयल बने हुए हैं। अरुण जेटली के स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को बनाया गया है। तो आंतरिक बजट 2019-20 पीयूष गोयल ने 5 लाख तक आय वालों को इनकम टैक्स में राहत दी है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बजट के बारे में। तो आंतरिक बजट 2019 और 20 में पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वाले टैक्स में छूट दे दी है। जिनकी इनकम 5 लाख तक रहेगी उनके उनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे। इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की घोषणा की है, जिससे असंगठित क्षेत्र को 15,000 रुपए तक मासिक आय प्राप्त करने वाले कामगारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह का मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए तक का मासिक आय प्राप्त करने वाले कामगारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह का मासिक पेंशन दिया जाएगा। गोयल ने कहा है इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो असंगठित क्षेत्र के लिए अगले 5 सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी। उन्होंने कहा है कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा। मेगा पेंशन के तहत, ठीक है, जिससे घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है। उसे 100 रुपए प्रति माह जमा करना होगा, जबकि जो मजदूर 18 साल से कम है उन्हें 55 रुपए प्रति माह जमा करना होगा। तो 3,000 रुपए 60 साल के जब वो ऊपर हो जाएगा तो उसको हर महीने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बजट 2019 भारत में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की गई है? तो गायों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई है। बजट 2019 भारत भाषण में कहा गया है कि गायों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। कौन सा आयोग बनाया जाएगा? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा गायों की सुरक्षा को लेकर, ताकि गाय की सुरक्षा की जा सके और नस्लों में सुधार हो सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी रखी गई है? तो रक्षा बजट की राशि 3 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। 3 लाख करोड़ रुपए रखी गई है रक्षा बजट की राशि। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घोषणा करते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने, अतिरिक्त प्रभार के वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, ने कहा है कि रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। वर्ष 2019-20 के लिए डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए होगा। मित्रों, अगर आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिले या फिर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों में, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सफलता आपकी मुट्ठी में है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2019 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत। बजट 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत
घोषणा की गई है कि योजना के तहत किसानों को 2 हेक्टेयर तक की जमीन वालों को उनके अकाउंट में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है? तो 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आवंटित करने की घोषणा की गई है। कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए थे। आवश्यकता पड़ने पर यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2019 विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की घोषणा की गई है? तो 10 आयामों की घोषणा की गई है। कितने आयामों की घोषणा की गई है? 10 आयामों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं के बीच वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विजन 2030 तक पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विजन 2030 इंडिया के तहत वित्त मंत्री ने 10 बिंदुओं के तहत विकास कार्यों और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों को चिन्हित किया है। तो अंतरिम बजट 2019 और विजन 2030 के अंतर्गत 10 आयामों की घोषणा की गई है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड पे सेट हो जाए, और बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो ये कर दी है 5 लाख रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी टैक्स बिल इनकम 5 लाख रुपए है तो अगले वित्त वर्ष से उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट, बजट 2019 के 19 में घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपए, 2.4 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपए कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 की अहम घोषणाओं में से एक पीएम मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सीमांत किसानों को कितने हजार करोड़ रुपए सॉरी कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष की सहायता राशि दी जाएगी? तो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा किसानों को, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा जिनकी 2 हेक्टेयर है जमीन। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश आंतरिक बजट 2019-20 की अहम घोषणाओं में एक पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत तहत सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की गई है। ठीक है, तो बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए को आवंटन को बढ़ाकर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए
के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधान।